एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश एक बार फिर से हर तरफ लाइमलाइट में हैं। इस बार तेजू बिग बॉस के घर में धमाल मचाने को आ रहे हैं और उन्हें इस शो में खेलते देखने के लिए फैंस काफी बेताब भी हैं। वेल शो में तेजू कैसे धमाल मचाती हैं ये तो फैंस को बिग बॉस में उनकी एंट्री के बाद दिख ही जाएगा, लेकिन आज हम आपको तेजस्वी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताने वाले हैं। तो चलिए बताते हैं आपको तेजस्वी की रियल लाइफ कहानी के बारे में। आपको बता दें कि तेजस्वी का जन्म 10 जून 1992 को मुंबई में हुआ था। तेजू ने महज 4 साल की उम्र में ही इंडियन क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। एक्ट्रेस बनने से पहले इंजीनियर थी तेजस्वी। जी हाँ, तेजस्वी प्रकाश की फैमिली संगीत के काफी करीब रही है। वो एक म्यूजिकल फैमिली से है, लेकिन पेशे से तेजस्वी इंजीनियर रही है। तेजस्वी प्रकाश ने मुंबई यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग में डिग्री ली और फिर इंजीनियरिंग का चस्का पूरा होने पर एक्टिंग का रुख किया। जब तेजस्वी ग्रेजुएशन कर रही थी तब उन्होंने मुंबई फ्रेश फेस कॉन्टेस्ट में भाग लिया। एक इंटरव्यू में जब उसे पूछा गया कि उनका पहला टीवी शो 26/12 कैसे मिला, तो उन्होंने बताया था, कॉलेज के फेस्ट के दौरान मैंने विभिन्न खिताब जीते और मैंने एक सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें मैंने जीत हासिल की। अगले दिन अखबार में मेरी तस्वीर थी और प्रोडक्शन के एक सदस्य ने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया। मैंने इसे आजमाने का फैसला किया और इस तरह मुझे अपनी पहली भूमिका मिली और एक्टिंग के लिए फिर तेजू ने इंजीनियरिंग को छोड़ दिया। कम उम्र में कई पॉपुलर शो से बनाई पहचान। आपको बता दें कि तेजस्वी ने महज 18 साल की उम्र में ही अपना पहला शो हासिल किया था। साल 2012 में टीवी शो 26/12 से एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इसके बाद वो संस्कार धरोहर अपनों की, स्वरागनी, जोड़े रिश्तों के सुर, पहरेदार पिया की और सिलसिला बदलते रिश्तों का जैसे टीवी शोज में नजर आ चुकी हैं। डेली सोप के अलावा तेजस्वी प्रकाश कई रियलिटी शोज भी कर चुकी हैं। खतरों के खिलाड़ी 10 के अलावा वो किचन चैंपियन 5, कॉमेडी नाइट्स लाइव, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल और कॉमेडी नाइट्स बचाओ जैसे शोज में नजर आईं। शिविन नारंग संग जुड़ चुका नाम। खतरों के खिलाड़ी 10 में हिस्सा लेने के दौरान तेजस्वी का नाम को कंटेस्टेंट और टीवी एक्टर शिविंग नारंग के साथ जोड़ा गया था। शो में दोनों की बॉन्डिंग को काफी पसंद किया गया। भले ही दोनों का नाम जुड़ता रहा हो, लेकिन तेजस्वी प्रकाश ने शिविंग संग अपने रिश्ते पर कहा था कि पता नहीं फैंस ने मेरे और शिविंग के बीच क्या बॉन्ड देखा है, लेकिन हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। टीवी शो के विवाद के कारण भी रही सुर्खियों में। साल 2017 में तेजस्वी प्रकाश उस वक्त तेजी से चर्चा में आ गई थी जब उनके टीवी शो पहरेदार पियाकी पर बवाल मचा था। उस शो में तेजस्वी एक चाइल्ड आर्टिस्ट की अपोजिट थी। शो की कहानी के मुताबिक उनकी एक 9 साल के बच्चे से शादी हो जाती है और वो उसकी पहरेदार बन जाती है। शो पर बढ़ते विवाद को देख मेकर्स ने इसे अचानक ही बंद कर दिया था। अब तेजस्वी एक बार फिर से छाने के लिए तैयार है। फैंस को पूरी उम्मीद है कि इस बार भी तेजो अपने फैंस को निराश नहीं करेंगी और हर तरह से शो में धमाल मचाएंगी।